सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर हुआ है। लखनऊ के शकुंतला विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय धांधली पर बड़ा एक्शन हुआ। विश्वविद्यालय के 5 शिक्षकों और 1 विधि अधिकारी बर्खास्त किए गए। ये सारी नियुक्तियां पूर्व कुलपति निशित राय के समय पर हुई थी और पूर्व कुलपति निशित राय को बर्खास्त किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी के सामान्य परिषद के अध्यक्ष सीएम योगी हैं और पूर्व कुलपति प्रोफेसर निशित राय पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह फैसला हुआ है। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, और क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। और अगर बात करें तो इससे पहले भी प्रोफेसर निश्चित राय जो कुलपति रहे शकुंतला विश्वविद्यालय के, उनके ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और तमाम गड़बड़ियां जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद में इस पूरे मामले में जांच बैठाई गई थी। अगर बात करें तो कार्य परिषद का जो फैसला आया है उसमें 6 शिक्षक और विधि अधिकारी जो है उनको बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही जो प्रोफेसर निश्चित राय जो कुलपति रहे शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के, उनके खिलाफ एफआईआर की भी सिफारिश की गई है। उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसकी सिफारिश का पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो सामान्य परिषद के, विश्वविद्यालय की जो सामान्य परिषद है उसके अध्यक्ष है। ऐसे में वहां से अनुमति मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो एफआईआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। और अगर बात करें इन भर्तियों को लेकर, तो देखिए जिन शिक्षकों की या विधि अधिकारी की भर्ती को खत्म किया गया है, उनको बर्खास्त किया गया, उसके पीछे ये वजह बताई गई है कि जो अहर्ताएं थी उनको पूरा नहीं कर रहे थे ये लोग, जो इनकी नियुक्ति थी उसमें गड़बड़ी की गई थी, नियम विरुद्ध कह सकते हैं एक तरह से किया गया था, जिसके बाद में ये पूरी कार्रवाई की गई है। और इस पूरे मामले के बाद अगर देखते हैं प्रोफेसर निश्चित राय की भूमिका को, तो वहां पर भी देखिए नियमों को दरकिनार करके भर्तियों को करना, वित्तीय अनियमितता के मामले और इस तरह की तमाम जो शिकायतें हैं उनके खिलाफ रही। और उसके बाद में लगातार देखिए पिछले काफी समय से तमाम जांचें भी उनके खिलाफ बैठी थी और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई है जो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने की है। और अब इंतजार है मुख्यमंत्री की से हरी झंडी मिलने का, जिसके बाद में प्रोफेसर निश्चित राय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने की आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से एफआईआर जो है वो पहले ही कराई जा चुकी है, क्योंकि वो विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के भी शिक्षक रहे हैं। ऐसे में वहां से भी कार्रवाई चल रही है। जब तक उनका टेन्योर बतौर कुलपति शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में रहा, तो वहां पर भी तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं। जी, और शैलेश, क्या ये जो 6 शिक्षक और 1 विधि अधिकारी जो बर्खास्त किए गए हैं, क्या इन तक ही ये संख्या सीमित है या संख्या ये बढ़ सकती है नियुक्ति की? देखिए, अभी तक तो फिलहाल ये चीजें सामने आई हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि जब भर्तियां हुई तो उसमें शिक्षक भी थे, शिक्षण स्तर कर्मचारी भी थे, तो ऐसे में देखिए कई स्तर पर जांच की गई, कई भर्तियों की जांच की गई, जिसके बाद में इन लोग के ऊपर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी देखिए जो शिक्षण स्तर के कर्मचारी थे उनमें भी कुछ यहाँ पर कार्रवाइयां हो चुकी है पूर्व में, और इसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई है जो शिक्षकों और विधि अधिकारी के ऊपर है। और जैसे जैसे देखिए जांच आगे बढ़ेगी तो तमाम और जो चीजें हैं, पर्दे हैं, वो खुलकर सामने आ सकती हैं, तमाम जो और खेल रहे होंगे वहां पर वो भी निकलकर सामने आ सकते हैं। जी, लेकिन ये योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा असर हम कह सकते हैं कि इसका असर दिखाई दिया और बहुत जल्द ये कार्रवाई और ये एक्शन हुआ है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई है ये, और आमतौर पर जो विश्वविद्यालय होते हैं, अगर राज्य विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो वहाँ के जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन ये एक विशेष तरह का विश्वविद्यालय है जहाँ पर सामान्य परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। और शायद ये वजह है कि मुख्यमंत्री खुद वहाँ के अध्यक्ष हैं, ऐसे में इस पूरे मामले की लगातार जो शिकायतें हुई, और आपको बता दें कि उनके खिलाफ जो शिकायतें थी इन पूरे मामलों को लेकर वो सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं थी, बल्कि शासन स्तर तक, मुख्यमंत्री के स्तर तक भी की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जांच में तेजी लाई गई। और उसके बाद इस जांच की तेजी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई उन्हीं के आधार पर एक पूरा प्रस्ताव बनाकर कार्य परिषद में ले जाया गया और वहां से ये कार्रवाई की गई। कार्य परिषद की अगर बात करें, देखिए विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बॉडी होती है जो फैसला लेती है, तो निश्चित रूप से उसका ये फैसला है। सबको जो शिक्षक जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से थी उनको बर्खास्त करने का भी, और अब क्योंकि एफआईआर का मामला सामान्य परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से लिया जाना है, ऐसे में उसके लिए पत्र जो है वो मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।